दोस्तों हर कोई YouTube पर नया चैनल बनाना चाहता है और हर कोई YouTube चैनल के माध्यम से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है। और मुझे पता है आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपके भी मन में कहीं ना कहीं YouTube चैनल के माध्यम से ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से पैसा कमाने की अर्निंग करने की मन में चाह होती है। लेकिन दोस्तों हर कोई ऐसा कर नहीं पाता, कर केवल वही सकता है जिसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा अलग टैलेंट होता है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ अलग करने की कैपेसिटी होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने के लिए जा रहा हूं जिन्होंने बहुत ही कम समय में, यूं कहें कि मात्र 70 से लेकर 80 वीडियो के अंदर अपने चैनल को मोनेटाइज किया है। और न केवल मोनेटाइज किया है बल्कि अपने चैनल के माध्यम से इन्होंने पैसा कमाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं इनका जो चैनल है वो आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, आपको मैं बताना चाहता हूं जिससे कि आपको क्लियर पता चल जाए कि यूट्यूब पर किस तरीके से काम किया जाता है और कैसे अपने चैनल पर जल्दी से वीडियो वायरल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर और इनके चैनल के लिंक पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने सलीम जी का जो चैनल है वो ओपन कर लिया। इनके चैनल का नाम है क्रिकेट बुलेटिन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों प्रेजेंटा में इनके चैनल पर लगभग 2400 सब्सक्राइबर्स हैं और मात्र इन्होंने अपने चैनल पर 75 वीडियो ही डाले हैं। ठीक है, यदि मैं चैनल की बात करूं तो मात्र इन्होंने अपने चैनल को 2 महीने पहले ही बनाया था और इसी 2 महीने के अंदर न केवल इन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज करवाया बल्कि अर्निंग भी स्टार्ट की है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं आखिर कैसे इन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज करवाया है। और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं काफी सारे इनके चैनल पर वीडियो वायरल हैं, जैसे कि लगभग 25-26 दिन पहले इन्होंने एक वीडियो डाला था जिस पर लगभग 4,25,000 व्यूज है। और भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं काफी इनके चैनल पर वायरल वीडियोज हैं। तो सलीम जी सबसे पहले स्वागत है आपका टेक धमाल यूट्यूब चैनल पर, और थोड़ा सा आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं और आपने चैनल है वो कब स्टार्ट किया था इसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, टेक धमाल यूट्यूब चैनल पर आपने मुझे आने का मौका दिया। और सर एक चीज़ होती है कि हम किसी व्यक्ति से अगर कोई चीज़ सीखते हैं और वो चीज़ सीखने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है और वो रिजल्ट लेकर हम दोबारा से उस व्यक्ति के पास जाते हैं कि सर आपने हमें ये सिखाया था और ये इसका रिजल्ट है, तो सर उस टाइम की जो फीलिंग होती है ना वो एक अलग लेवल की फीलिंग होती है। और उस फीलिंग को एक वीडियो में या शब्दों में कन्वर्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उस चीज़ को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। और सर जो आप अपने YouTube चैनल पर टैग धमाल पर जो ये वीडियो डालते हैं हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स के इंटरव्यूज़ की, तो इसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनका ये सपना है कि मैं भी कल अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, या जिसने बना रखा है कि कल मैं अपना यूट्यूब चैनल को ग्रो करूंगा और आपके चैनल पर आकर इंटरव्यूज़ दूंगा। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आपके चैनल पर ऐसे हैं जिनका ये सपना है, और कुछ दिन पहले तक भी मेरा यही सपना था कि मैं भी आपके चैनल पर आकर आपकी तरह ग्रो करूँगा और आपके चैनल पर आकर मेरा इंटरव्यूज़ होगा, और वो सपना आज मेरा साकार हो रहा है। सर मैं बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। और सर मेरा नाम सलीम है और मैं हरियाणा के हिसार ज़िले से रहने वाला हूँ। और सर जी मैंने चैनल स्टार्ट किया था ये लगभग 2.5 महीने पहले स्टार्ट किया था। इससे पहले मेरा एक और यूट्यूब चैनल था जो फैक्ट थिंग्स के नाम से चैनल था, तो सर वो मेरा डिलीट हो गया था कॉपीराइट की वजह से। उस टाइम मेरे को थोड़ा काम करना नहीं आता था, उसके बाद मैंने सीखा, आपके वीडियोज़ मैंने देखे, आपकी वीडियोज़ मेरे सामने आए, फिर मैंने लगातार आपकी जो सीरीज़ है वो सारी देखी, तब जाके मैंने सीखा और सीखने के बाद फिर ये यूट्यूब चैनल मैंने क्रिएट करा। और लगभग आधा IPL उस टाइम आ चुका था जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर आपके जो आपने तरीके बताए जो आपने हमें सिखाया उसके अनुसार हम चलते गए, और फिर हमने जो भी सीखा आपसे और उसको अप्लाई किया, और आज फिर हमारा ये चैनल आपके सामने सर मोनेटाइज भी हो गया और अच्छी खासी अर्निंग भी हो रही है। तो सलीम जी जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, सबसे पहले मैं ऑडियंस को इनका जो चैनल है इनको दिखाना चाहता हूं और ये अपने चैनल पर किस तरीके से वीडियोस एडिट करके डालते हैं वो मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है टेक धमाल यूट्यूब चैनल पर लगभग 15 से लेकर 17,000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूबर्स जुड़े हुए हैं और सभी आपके इंटरव्यू को देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपका एक वीडियो है जो कि ऑडियंस को मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इन्होंने कुछ ही दिनों पहले ये वाला वीडियो डाला था जो कि काफी कॉन्ट्रोवर्सियल वीडियोस है, और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इन्होंने शॉर्ट वीडियो क्लिप्स भी अपने वीडियो के अंदर ऐड किया है।
तो मैं सलीम जी आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो शॉर्ट वीडियो क्लिप्स आप कहीं से भी लेते होंगे, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, या फिर मुझे पता नहीं आप कहाँ से लेते हैं, यस सर, तो ये जो शॉर्ट वीडियो क्लिप्स है यूट्यूब पर बैन है, तो मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ कि आपने ये जो शॉर्ट वीडियो क्लिप्स है मोनेटाइजेशन से पहले अपने चैनल पर अपलोड करना स्टार्ट की थी कि मोनेटाइजेशन के बाद में व्यूज के लिए आपने शॉर्ट वीडियो क्लिप्स है वो स्टार्ट किए डालना? सर अगर आप मेरा चैनल देखोगे तो मेरे चैनल पे जो सबसे ज़्यादा वीडियोस वायरल है वो सिर्फ दो वीडियो सबसे ज़्यादा मेरी वायरल हुई हैं, उसमें एक वीडियो है यशस्वी जायसवाल वाली, जिसमें मेरा लगभग जो YouTube का मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया होता है वो लगभग उस वीडियो ने मेरा कंप्लीट कर दिया था, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम वाला जो क्राइटेरिया YouTube का, उस वीडियो ने कंप्लीट कर दिया था, और उस वीडियो में मैंने शॉर्ट क्लिप यूज़ की हुई है सर, आप देख सकते हैं बाकायदा मेरे चैनल पर जाकर। तो मोनेटाइजेशन से पहले उस वीडियो में मैंने शॉर्ट क्लिप जो वीडियो क्लिप है वो यूज़ की हुई है, और मेरा चैनल उसके बाद मोनेटाइज हो गया, और उसके बाद मैं लगातार जो ये वीडियो है क्लिप्स हैं वो यूज़ कर रहा हूँ सर, मेरे को अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है, ना कोई कॉपीराइट मिला, ना कोई कॉपीराइट क्लेम मिला सर। ओके, तो जैसे कि सलीम जी आपका चैनल है बहुत कम समय में मुझे लगता है मोनेटाइज हो गया है, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने मतलब जब आईपीएल के दौरान मैंने काफ़ी सारे क्रिकेट के यूट्यूबर्स से वीडियोस के माध्यम से बताया था कि आईपीएल ये 2023 काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स स्पेशली क्रिकेट के यूट्यूबर्स के लिए, क्योंकि इसी आईपीएल के अंदर काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने चैनल को ग्रो किया, और न केवल ग्रो किया बल्कि कई ऐसे भी यूट्यूबर्स थे जिनका जो चैनल था आईपीएल से पहले बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे, 2000-3000 सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन अभी उनके 20-30000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और कई उन्होंने तो 50,000-60,000-70,000 रुपये भी अर्निंग की है। तो आपने सोचा था कि एक ही महीने के अंदर आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा और इतनी जल्दी आप अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे? देखिए सर, मैं आपको और आपकी ऑडियंस को एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। मेरे इस चैनल से पहले, जैसे कि मैंने बताया कि फैक्ट थिंग्स नाम से मेरा एक चैनल था, तो मेरे को पता नहीं था कि यूट्यूब से भी कोई अर्निंग वगैरह होती है, तो उस चैनल से बनाने से पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि मैंने जब यूट्यूब पे एक वीडियो देखी कि जिसमें 3D कंपैरिजन वाली वीडियो भी यूट्यूब पे चलती थी उस टाइम पे, 3-4 महीने पहले की बात है सर, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी 3D कंपैरिजन वाली वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि उन पे ना RPM भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी अर्निंग करूँगा यूट्यूब से, तो मैंने वो बनाना स्टार्ट किया, लेकिन मेरे चैनल पे इतना रिस्पॉन्स मेरे को उन वीडियो से नहीं लगा। फिर एक दिन मेरे सामने आया कि क्रिकेट्स की जो 3D कंपैरिजन वाली वीडियो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो फिर मैंने क्रिकेट की वीडियो स्टार्ट कर दिया 3D कंपैरिजन में ही, लेकिन सर उनमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो मिला, लेकिन इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया कि आप किसी चैनल को ग्रो कर लो और अर्निंग स्टार्ट कर दो। तो उसके बाद फिर आपका जो वीडियोज़ है मेरे सामने आया, फिर मैंने देखा कि YouTube पे क्रिकेट की ऐसी वीडियो भी बन सकती हैं कि सिर्फ फ़ोटो आप यूज़ करो और आप अर्निंग करो, तो सर मैंने आपकी वीडियोस देखी, उसके बाद वीडियोस देख के मैंने सीखा और ये चैनल आपके सामने सर खड़ा किया। आपके कहने के बाद जब IPL आधा ख़त्म हो चुका था सर, जब वो मेरा चैनल है उस टाइम पे मेरे को याद है कि रिंकू सिंह ने 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाए थे, तो रिंकू सिंह के 5 छक्कों ने सर एक ही वीडियो ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने उस 5 छक्कों वाली एक ही वीडियो से अपना चैनल मोनेटाइज करवा लिया था, लेकिन उन 5 छक्कों वाली वीडियो ने मेरा चैनल डिलीट करवा दिया था, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि कैसे वीडियो क्लिप्स यूज़ करनी है या फोटो से अपने वीडियो बनानी है, मेरे को कुछ उस टाइम पे पता नहीं था, और मैंने भी वो वीडियो देखी और वो वीडियो डाउनलोड करी और अपने चैनल पे डाल दी, उसके बाद मेरे को थोड़ी ही देर में कॉपीराइट आ गया, वो वीडियो डिलीट हो गई, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इस वीडियो को थोड़ा सा ना जो फालतू का पार्ट उसको ट्रिम करके मैं डाल देता हूँ, तो उसके बाद मैंने ट्रिम करके दोबारा वीडियो अपलोड करी, उसके बाद भी वो वीडियो कॉपीराइट आ गया IPL से और मेरे को दोबारा फिर वो वीडियो डिलीट हो गई, और इसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब 2 कॉपीराइट तो आ ही गई हैं, अब फाइनल से क्या डरना सर, वो तो कभी भी आ सकता है, आपका चैनल हमेशा रिस्क में रहेगा, तो मैं इतना रिस्क लेना भी नहीं चाहता था कि आप 2-2.5 महीने काम करो और फिर तीसरा जब आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होने वाला हो तो तीसरा कॉपीराइट आया और आपका चैनल डिलीट, तो मैं ये चैनल रिस्क लेना भी नहीं चाह रहा था सर, मैंने सोचा कि अब तो देखते हैं क्या होने वाला है, तो फिर मैंने जो वो वीडियो थी 5 छक्कों वाली रिंकू सिंह की उस पर अपनी कमेंट्री करके दोबारा फिर डाली, लेकिन सर वो वीडियो दोबारा फिर मेरी कॉपीराइट में आ गई और दोबारा से फिर से डिलीट हो गई, तो सर वो चैनल तो मेरा बिल्कुल डिलीट हो गया। उसके बाद फिर आपकी वीडियो मेरे सामने आई कि आप ऐसे ऐसे वीडियो बना सकते हैं, सिर्फ फ़ोटो का यूज़ करें, आपको कोई कॉपीराइट नहीं होगा, आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा से एक बार तो मैं मोटिवेट हो गया था कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता सर, मैं
बहुत डिप्रेशन में चला गया था। उसके बाद फिर आपकी वीडियो देखी तो मेरे अंदर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया कि आप कर सकते हैं। तो फिर दोबारा से मैंने ये चैनल बनाया और उस टाइम लगभग लगभग आधा आईपीएल ख़त्म हो चुका था। फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आप बता रहे थे कि आईपीएल जो है ना वो गोल्डन पीरियड है, आपके कहने के बाद फिर मैंने दोबारा से चैनल स्टार्ट कर दिया और उसी आईपीएल के दौरान मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था सर। ओके, तो जैसे कि काफ़ी सारे क्रिकेट के यूट्यूबर्स हैं वो डेफिनेटली आपकी जो अर्निंग है वो जानना चाहेंगे, तो बिना कोई देरी करते हुए मैं डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर जाता हूं जहां पर इन्होंने मुझे अपनी जो अर्निंग है वो चैनल की वो शेयर की है। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रहा इनके चैनल की अर्निंग का जो अर्निंग प्रूफ है। इनके चैनल का नाम क्रिकेट बुलेटिन, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में काफ़ी अच्छे व्यू आ रहे हैं, लास्ट 28 डेज के अंदर लगभग लगभग 3.5 लाख 4.25 लाख व्यूज आ रहा है इनके चैनल पर, और इतने व्यूज इस समय डेड टाइम में आना बड़ी बात होती है, ये एक बड़े चैनल का साइन होता है। अपकमिंग टाइम में जैसे कि एशिया कप आने वाला, वर्ल्ड कप आने वाला, मैं गारंटी दे रहा हूं इसी वर्ल्ड कप के अंदर इनका चैनल 20,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने वाला है, और यदि ये सही से मेहनत करेंगे तो काफी ग्रो करने वाले हैं। दोस्तों आप इनकी अर्निंग देख सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में लगभग लगभग 62 US डॉलर है, अभी थोड़ा टाइम पहले लगभग 67 दिखा रही थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लगभग लगभग इन्होंने 60 से लेकर 70 US डॉलर की अर्निंग की है, और इंडियन करेंसी में यदि आप 60 से लेकर 70 US डॉलर को कन्वर्ट करोगे तो लगभग लगभग 5,000 रुपये के बराबर आता है, और मुझे लगता है कि मात्र 2 महीने के अंदर 5,000 रुपये महीने का चैनल बनाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। आप में से काफी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, आप में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस ऑनलाइन अर्निंग को एक तरह से कमाना चाहते हैं, करना चाहते हैं और वीडियोस के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं। उन सभी क्रिकेट के यूट्यूबर्स के लिए मुझे लगता है कि इनकी जो अर्निंग है वो अपने आप में मोटिवेशन है। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, ये जो सलीम जी है ये पर्सनल कुछ काम भी करते हैं क्रिकेट के चैनल पर, ये पार्ट टाइम काम करते हैं, और पार्ट टाइम में यदि 5 से लेकर 10,000 रुपये महीने की यदि अर्निंग हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और अभी तो इनका चैनल बहुत छोटा है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मात्र 2200 सब्सक्राइबर्स पर 5,000 यदि महीने की अर्निंग हो जाए, और किसी के यदि 10 से लेकर 20,000 सब्सक्राइबर्स होंगे तो डेफिनेटली इसके डबल अर्निंग तो होना ही होना है। तो आज ये भले ही थोड़े से इनकी शुरुआत स्लो है, लेकिन डेफिनेटली एशिया कप और वर्ल्ड कप में इनका चैनल काफी ज्यादा निकलने वाला है। तो मुझे लगता है जितने भी जो यूट्यूबर्स हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको सलीम जी से इंस्पायर्ड होना चाहिए, क्योंकि आप में से काफी सारे ऐसे यूट्यूबर्स जो कहते हैं कि व्यूज नहीं आते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप सही तरीके से काम करते हैं तो आपके चैनल पर व्यूज आएंगे। सलीम जी मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं, काफी सारे नए नए यूट्यूबर्स हैं वो हॉपलेस हो जाते हैं, जैसे उनके चैनल पर थोड़ा सा व्यूज नहीं आता वो होपलेस हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आप क्या कहना चाहेंगे नए यूट्यूबर्स के लिए? देखिए सर, होपलेस होना जायज भी है, क्योंकि मैं खुद एक बार आपको जैसे बताया कि होपलेस हो चुका था, यूट्यूब छोड़ने वाला था, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे और आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, और उस मेहनत का जब तक आपको फल नहीं मिलेगा ना, तो आप होपलेस हो ही जाएंगे, हर कोई हो जाता है सर। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप वहाँ से होपलेस होके पीछे हट गए तो हट गए, लेकिन अगर आपने कंटिन्यूटी बनाई तो सर आपको एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। क्योंकि मैंने खुद देखा है यूट्यूब पे, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो मेरा नहीं है, सिर्फ 3-4 महीने का ही एक्सपीरियंस है, लेकिन जो मैंने ये चैनल अभी बनाया था तो इसमें कम से कम भी मैं 20 से 25 वीडियो डाल चुका था और एक भी व्यूज़ नहीं आ रहा था, सिर्फ एक सिंगल व्यूज़ भी नहीं आ रहा था, और जो 4-5 व्यूज़ आ रहे थे वो मैं किसी यार दोस्त के फ़ोन से अपना लेके जो भी वीडियो देखता था, सिर्फ वही व्यूज़ 4 और 5 व्यूज़ आ रहे थे, इसके अलावा कोई व्यूज़ नहीं आ रहा था। लेकिन जब स्टार्ट हुए तो इतने व्यूज़ आ गए कि मैं खुद शोक में हो गया था कि अचानक से क्या हो गया, इतने व्यूज़ कैसे आने लग गए। लेकिन मैंने कंटिन्यूटी बनाई रखी, तो मैं यही कहना चाहूँगा सर कि अगर आपको YouTube पे सक्सेस होना है तो आपको सही से काम करना है, मेहनत करनी है, और कंटिन्यूटी सबसे ज़रूरी है सर। अगर आप कंटिन्यू YouTube पे रहेंगे तो आपका एक ना एक दिन कोई ना कोई वीडियो ज़रूर वायरल हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार सलीम जी ने जो बात बोली है, मुझे लगता है जितने भी जो नए नए यूट्यूबर्स हैं, जो कि कल और परसों के दिन मैंने जब वीडियो अपलोड किया था टेक धमाल यूट्यूब चैनल पर, तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स थे कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यूट्यूब पर काफ़ी टाइम हो चुका है और यूट्यूब पर शायद ही हम यूट्यूबर बन पाए, यूट्यूबर बनने का हमारा जो सपना है वो धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। तो मुझे लगता है आज जो सलीम जी आपके सामने एक एग्जाम्पल बन के खड़े हैं,
ठीक है, इन्होंने बहुत कम समय में, भले ही अर्निंग थोड़ी सी कम है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से पैसा कमाना स्टार्ट किया तो अपने आप में एक बड़ी बात होती है। देखिए, सिस्टम से पैसा कमाना जरूरी है, पैसे का अमाउंट चाहे एक रुपए हो या फिर एक लाख हो। यदि आज इन्होंने 5,000 कमाए तो कल 50,000 भी कमाएंगे, और कल 50,000 कमाएंगे तो परसों के दिन 5 लाख रुपए महीने भी कमाएंगे। जिसके अंदर चाह होती है कमाने की वो डेफिनेटली वैसा कर जाता है। बस खुद पर भरोसा होना चाहिए और अपने ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए और डेफिनेटली आप भी आगे बढ़ सकती है। तो सलीम जी, आपने इतना जो समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है जितने भी क्रिकेट के जो यूट्यूबर सुन रहे हैं आपको, आपने जो वैल्यूबल आपने जानकारी दी है वाकई में काफ़ी वैलिड जानकारी थी। आपका एक्सपीरियंस भले ही कम है लेकिन आपका बोलने का तरीका और आपने ये जो एक्सपीरियंस लिया आपने 3 से लेकर 4 महीने, वाकई में वो तारीफ़ के काबिल है। और जितने भी नए नए यूट्यूबर्स हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी सारी नॉलेज आपको भी मिली होगी। अभी भी इस प्रकार का कोई भी डाउट जो कि मैं सलीम जी से नहीं कर पाया, आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आप मुझसे या फिर सलीम जी से जुड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर सलीम जी जुड़े हुए हैं, इन जैसे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जुड़े हुए हैं जो कि वाकई में बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक हमने क्रिकेट की कम्युनिटी का एक नया एक तरह से इन्वायरमेंट यूट्यूब पर क्रिएट करने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए, यदि आपको सफल होना है तो आपको अपनी कम्युनिटी वाले लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, जहां से आपको अपनी फील्ड के बारे में पता चलेगा, अपनी कैटेगरी के बारे में पता चलेगा, कहां पर क्या ट्रेंड चल रहा है इसके बारे में पता चलेगा, साथ ही आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा। तो मुझे लगता है यूट्यूब चैनल से जुड़ना और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपको बहुत जरूरी है। इसके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सलीम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी यूट्यूबर्स का वंस अगेन वेरी वेरी थैंक्स, एंड जय हिंद, वंदे मातरम।